जहांगीरपुरी के अंदर करीब से करीब सारी इंडस्ट्रीज बंद है, एक आधो फैक्ट्री जो चल रही है उसको भी कोशिश कर रहे हैं बंद कराने का और मजदूर को निकाल रहे हैं बाहर। ऐसा हाल है, मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल पाती है और ना ही लेडीजों को 5,000, 6,000, 7,000 में काम कराता है। अपने हक के नहीं लड़ा जा रहा भाई, अपने हक के नहीं लड़ा जा रहा। पुष्पा, पुष्पा कहाँ काम करती हैं? जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी में? हाँ। ठीक है, कौन से मतलब स्टील की फैक्ट्री में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, स्टील की फैक्ट्री। चलिए, क्या समस्या है इधर जहांगीरपुरी में, आज क्यों है आप लोग स्ट्राइक पे? भैया 16,000 तनख्वाह, आधी तनख्वाह दे रहे हैं। हाँ, बोलो बोलो बोलो, दोनों का संयुक्त जवाब है। 6,000-7,000 तनख्वाह देते हैं, उसमें क्या किराया दें कि पेट भरें, क्या बच्चे क्या होगा उसमें? किराए पे रहना है, उसमें क्या होने वाला है पहले बताइए। अब पूरे पे यहाँ साइन करवाते हैं, 14,000 पे क्या क्या मिल रहा है हम लोग को? कुछ मिल रहा है? जैसे केजरीवाल सरकार कह रही है कि इधर न्यूनतम वेतन मिलता है, सब मिलता है। के सरकार ने बोल रखी है, सरकार ने बोल रखी है 16,000 तनख्वाह, मगर मालिक लोग नहीं देते हमको। 16,000 पे साइन कराते हैं, 7,000 देते हैं। पहली बात तो ये, मजदूरों ने 44 श्रम कानून लड़के हासिल किए थे, उन 44 कानूनों में से 29 कानून मोदी सरकार ने बिल्कुल ख़त्म करके पूंजीपतियों के पक्ष में कर दिए हैं, 29 कानून। और 4 लेबर कोड बिल, इसको हम जो है मजदूरों को गुलाम बनाने वाला बिल बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक कानून लेके आए हैं हायर एंड फायर की नीति। आज जिस कारखाने के अंदर 100 मजदूर काम करते थे अभी तक का जो कानून था, तो मालिक बिना लेबर कोड से परमिशन लिए कारखाना बंद नहीं कर सकता था। आज केंद्र सरकार ने इनको छूट दे दी है कि जिस कारखाने के अंदर 300 मजदूर तक की संख्या है, आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जब मर्जी आप कारखाना बंद कर दो। आप पूरी बादली का जो है सर्वे कर लो, 300 मजदूर किसी खाने में कारखाने के अंदर नहीं है, इसका मतलब जो है पूरी बादली गुलाम हो जाएगी मजदूरों की, जब मर्जी जब निकाल देंगे, जब मर्जी रख लेंगे। देखिए, वजीरपुर में मुख्यतः जैसे कि गरम रोला का स्टील लाइन का पूरा प्लांट है पूरा वजीरपुर में, और गरम रोला, ठंडा रोला, तेजाब से लेके बर्तन तक यहाँ बनते हैं, प्लेट, कटोरी वगैरह। तो अभी समस्या भी यही, लंबे समय से यहाँ पे जो श्रम कानूनों को लागू नहीं किया जा रहा, जैसे आप बात करें प्रैक्टिकल गरम रोला, ठंडा रोला, हर फैक्ट्री में 12 घंटे काम करने का 10,000 से 10,500 रुपये मिलता है, और देखा जाए मिनिमम वेज दिल्ली में कानूनी 15,000 एक हेल्पर का है, 15,500 एक हेल्पर का है, पर यहाँ पे कोई नियम कानून लागू नहीं। तो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का मुद्दा है, सुरक्षा के इंतज़ाम जो लागू नहीं होते। आप किसी फैक्ट्री में जाइए, आपको बेसिक जो सुरक्षा के इंतज़ाम लागू होने चाहिए, जहाँ पे ग्लव्स मिलना चाहिए, जूते मिलने चाहिए। आप 60 डिग्री टेम्परेचर में लोग काम करते हैं यहाँ पे जो गरम रोला का है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, वहाँ पे रिलैक्स मिलना चाहिए, छुट्टी मिलनी चाहिए, वो सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं किया जाती। जब 2014 में हम लोगों ने हड़ताल की थी तब एक हद तक मांगे पूरी हुई थी, पर आज दोबारा वही चीज़ें लागू हो गई, क्योंकि सारे सरकार, सारे श्रम विभाग, सारे मालिक मिल के मजदूरों को दबाने का काम कर रहे हैं। 4 लेबर कोड के अंदर एक कानून लेकर आए हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कानून। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कानून का मतलब है कि मजदूर जिस दिन काम पर रखा जाएगा उस दिन उससे लिखवा के ले लिया जाएगा, आपको हम 2 महीने के लिए काम दे रहे हैं या 1 साल के लिए दे रहे हैं। वो समय पूरा होने के बाद उसकी सेवा समाप्त हो जाएगी, यानी कि परमानेंट नौकरी का जॉब खत्म, परमानेंट नौकरी करने का अधिकार खत्म। तो मजदूर गुलाम नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? 20 दिन हो काम करेगा, 20 दिन हो करेगा, 10 दिन हो करेगा। तो ये है, और सबसे बड़ा जो काम करा है खतरनाक, जो कभी अंग्रेज भी उसको नहीं दबा पाए थे, वो आज केंद्र सरकार बिल लेकर ही आए हैं कि मजदूरों के धरने पर पाबंदी हो, मजदूरों के हड़ताल पर पाबंदी हो, और जो मजदूर हड़ताल पर जाएगा, धरने पर जाएगा, वो सीधा जेल जाएगा, और जेल ही नहीं जाएगा, उसके ऊपर फाइन भी है अलग अलग धाराओं में बिल्कुल। तो इसका मतलब वो पीटेंगे भी जो आज सत्ता में बैठे, और मजदूर को रोने भी नहीं देंगे। हर महीने महंगाई बढ़ती जा रही है, तेल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम 100 के ऊपर गया, डीजल का दाम 100 के ऊपर गया, रसोई गैस का दाम 1,000 के ऊपर चला गया, सरसों के तेल का दाम बढ़ गया, दूध का दाम बढ़ गया, मगर मजदूरों का जो दाम सरकार ने लागू किया है वो 16,064 रुपये अभी तक नहीं दिया जा रहा है।
फैक्ट्रियों के अंदर ना लीव पे ना मजदूरों का हाजिरी कार्ड ना बोनस ना ईएसआई ना पीएफ कुछ नहीं मिल रहा है। मजदूर का हाल इतना बुरा हाल हो रही है कि 5,000-6,000 काम करा रहे हैं मालिक। कोई बात करने पर हम लोग से राजी नहीं होती है, मजदूर से तो कोई बात करने पर राजी नहीं होती, मजदूर क्या बात करेगा। यूनियन के साथ है कि हम लोग के जहाँ सकेता आता है, जहाँ मुसीबत आते हैं, तो वहाँ पर हम ये लोग बोलते हैं तो हम लोग के पीछे जाते हैं, हम लोग के मदद करते हैं, तो हम लोग एसी के साथ मिनू रहेंगे जी। लेबर की जो सरकारी रेट है 16,064 रुपया, कारीगर के है 27,000 कुछ रुपया, वो हमारा लागू कीजिए मोदी सरकार जी को, हमारा इतना मांग लागू कर दीजिए। 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे के है 14,567 रुपया कुछ था पहले थे, अब कितना हो गया आपको भी पता है कि 26,000 कुछ रुपया हो चुका है 8 घंटे की ड्यूटी। आप मोदी, हम लोग भी ये भी सुन रहे हैं कि अब वही ने 8 घंटे वाला जो ड्यूटी था वो 12 घंटे ड्यूटी होने जा रही है जी। हम लोग बताए, हम लोग तो मेहनत से पसीना से ताकत करके फिर भी 1 मिनट कंपनी में बैठने का टाइम नहीं कहीं मिलता है। ओए क्या कर रहा है यहाँ, कैसे बैठ गया तू, कैसे बैठ गया, तेरा पावर हुआ ये? कोई लेबर से बात करने की कोई तमीज होती है? लेबर से कोई बात कर, हम कमा के दे रहे हैं मालिक को, मालिक को मैंने कमा के, मालिक मेरे को नहीं दे रहे कमा के। जब जिस समय में लॉकडाउन लगे थे तो मालिक ने केजरीवाल के पास ने लेटर विदाई किए थे लिखकर कि भाई हल्ला मत करो, मालिक ने लेटर लिखकर विदा किए थे कि लेबर को रोका जाए, गांव जा रहे हैं, घर जा रहे हैं लेबर, लेबर चले जाएगी हम खैला भी नहीं मर जाएंगे, तो मालिक ने पेमेंट हम लोग को रोक दिए थे, मालिक जी पेमेंट रोक दिए थे, बताइए हम लोग क्या करें। मजदूरों की रक्षा जिंदाबाद, 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 मजदूरों की रक्षा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुम मजदूर रास्ता जिंदाबाद। हम लोगों का मुख्य मुद्दा ये है कि सबसे पहले 4 लेबर कोड, जो मजदूर विरोधी लेबर कोड है, वो वापस लिए जाएं। इसके अलावा जो मजदूरों को पक्का रोजगार दिया जाए, भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून पारित किया जाए, जिसमें हर किसी को जो पक्का रोजगार मिले। अगर सरकार पक्का रोजगार नहीं दे पाती तो बेरोजगारी भत्ता कम से कम 10,000 दे, फैक्ट्रियों में सुरक्षा के नियम कानून लागू किए जाए, न्यूनतम वेतन कम से कम 25,000 किया जाए।